अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम आए हैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर का टेस्ट करने के लिए। आई एम सॉरी, मैं बैटरी को कनेक्ट करता हूं। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये वही फ्लाइट कंट्रोलर है जो मैंने खुद बनाया था। आप देख सकते हैं यहां पे, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये देखिए। अब मैं बैटरी को जो है कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों हमने बैटरी कनेक्ट कर लिया है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इसमें जो है ये जीपीएस भी इंस्टॉल किया है। आज जो है हम इसकी जीपीएस की भी टेस्ट करेंगे और जो है फ्लाई टेस्ट करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छी तरह फ्लाई करेगा। जब तक ये जो है एलईडी ब्लिंकिंग कर रहा है, हम फ्लाई नहीं कर सकते। जब ये सॉलिड होगा इसका मतलब है कि हमारा जीपीएस लॉक हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ब्लू एलईडी, ये स्टेटस एलईडी है। आई एम सॉरी, मैंने ट्रांसमीटर ऑन नहीं किया, पहले ट्रांसमीटर को ऑन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्लू एलईडी जो है सॉलिड हो चुका है। इसका मतलब जो है हमारा जीपीएस लॉक हो चुका है। अब हम फ्लाइट टेस्ट करते हैं। पहले हम एंगल में टेस्ट करेंगे। ये हमारा एंगल, ये आर्म, ये देखिए दोस्तों बहुत ही स्टेबल। ये हमारा एंगल दोस्तों, अब मैं जो एलपीटी डोर को जो है इनेबल करता हूँ। ये हमारा एलपीटी डोर, ये देखिए ये एलपीटी डोर, ये देखिए दोस्तों ये एलपीटी डोर। थोड़ा नीचे लाके जो है मैं से जीपीएस की टेस्ट करता हूँ। ये जीपीएस ऑन, ये देखिए दोस्तों हमारा, सॉरी हमारा बैरोमीटर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, मगर इसका कोई इशू नहीं, इसे जो है फोन की ज़रूरत है। ये जीपीएस ऑन दोस्तों, अरे भाई नीचे, ये दोस्तों हमारा जीपीएस ऑन, ये आप देख सकते हैं। ये जीपीएस ऑन, सेम अपने पोजीशन पे जाके खड़ा हो गया। फिर से मैं आप लोगों को दिखा दूं। हमारा जीपीएस टोल, थोड़ा सा मैं आगे ले जाके इसे जो है रिटर्न टू होम टेस्ट करता हूँ। ये रिटर्न टू होम दोस्तों, देखते हैं हमारा ड्रोन वापस आता है कि नहीं। ये आ रहा है, ये हमारा लैंड हो रहा है दोस्तों।
अब थोड़ा सा पावर चेक करते हैं दोस्तों।